हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। तो आज के इस लेक्चर में हम टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन का पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और डिफेमेशन के टाइप्स आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कुछ केस लॉज भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज के इस लेक्चर में डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ डिफेमेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक सेपरेट टॉपिक की शुरुआत आज हम करने वाले हैं। ये डिफेमेशन के टॉपिक का पहला पार्ट है, जो डेफिनेशन और उसके काइंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। अ मैंस रेपुटेशन इज हिज प्रॉपर्टी एंड इज मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर टेंजिबल असेट्स। हमने बारहा लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इज्जत कमाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसको गंवाने के लिए कुछ भी टाइम नहीं लगता है। तो जो रेपुटेशन है पर्सन की, जो उसकी इज्जत है, वो दूसरी कोई प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम देख सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। एवरी मैन हैज़ द राइट टू हैव हिज रेपुटेशन प्रिजर्व। और हर पर्सन को ये कानून ने अधिकार दिया हुआ है कि वो अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर सके। मतलब उसकी कोई भी रेपुटेशन को ख़राब नहीं कर सकता, कोई भी उस पर्सन को डिफेम नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन उसके अगेंस्ट में ऐसा स्टेटमेंट पास नहीं कर सकता जिसके चलते उसकी रेपुटेशन को कुछ नुकसान पहुंचे, वो रेपुटेशन कुछ ख़राब हो। टू डिफेम मीन्स टू अटैक द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। किसी को डिफेम करने का मतलब ये होता है कि उसके रेपुटेशन पे अटैक करना है, उसके कैरेक्टर पे अटैक करना है, उसकी इज्जत पे अटैक करना। इसी को हम डिफेमेशन कहते हैं। द डिग्री ऑफ सफरिंग कॉज्ड बाय लॉस ऑफ रेपुटेशन फार एक्सीड्स देन दैट कॉज्ड बाय लॉस ऑफ एनी मटीरियल वेल्थ। अगर हम कंपेयर करें कि किसी प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हो गया, वो एक तरफ, और दूसरा पर्सन के रेपुटेशन को नुकसान हो गया, मतलब उसकी इज्जत खराब हो जाए, तो अगर हम वो देखें तो रेपुटेशन को नुकसान होना कहीं ज़्यादा है अगर हम उसको कंपेयर करें किसी प्रॉपर्टी के नुकसान से। तो प्रॉपर्टी का नुकसान तो हम उसको कंपेंसेट कर सकते, उसकी भरपाई कर सकते, लेकिन अगर किसी पर्सन की रेपुटेशन ख़राब हो जाए तो वो रेपुटेशन फिर से हासिल करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। इसीलिए रेपुटेशन किसी की भी कोई भी ख़राब करने का अधिकार नहीं रख सकता है। अगर मैं किसी के रेपुटेशन पे अटैक करूँगा, किसी की इज्जत ख़राब करूँगा, तो वो पर्सन मेरे अगेंस्ट में डिफेमेशन का सूट फाइल कर सकता है और नुकसान भरपाई क्लेम कर सकता है। अब डेफिनेशन क्या है, देखिए डिफेमेशन की। विनफील्ड ने डिफाइन किया डिफेमेशन को। Defamation is the publication of a statement which tends to lower a person in the estimation of right-thinking member of a society generally, or which tends to make them shun or avoid that person. तो विनफील्ड ने जो डिफाइन किया है डिफेमेशन को, उसका मानना ये है कि किसी पर्सन ने कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट पब्लिश किया, ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जिसके वजह से किसी पर्सन की इज्जत, जो सही समझ रखने वाले हैं लोग सोसाइटी के, उनके नज़र में अगर उसकी इज्जत कम हो जाए और उसको लोग अवॉइड करना शुरू कर दे, अगर ऐसा है तो वो डिफेमेशन कहलाएगा। तो विनफील्ड ने डिफाइन किया डिफेमेशन को ये कि जब कभी भी अगर मैंने किसी पर्सन के प्रति अगर कोई स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट के चलते जो सोसाइटी में सही समझ रखने वाले लोग हैं उस पर्सन को अवॉइड करना शुरू कर दे और ये कहना शुरू कर दे कि अगर ये पर्सन को हम तो बहुत अच्छा समझते थे लेकिन ये तो ऐसा निकला है, लाइक दैट, तो अवॉइड करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि उस पर्सन का डिफेमेशन हो गया है। तो ये डिफेमेशन की डिफिनेशन विनफील्ड ने डिफाइन की है। साल्मन ने डिफाइन किया डिफेमेशन को, देखिए। द रॉन्ग ऑफ डिफेमेशन कंसिस्ट इन द पब्लिकेशन ऑफ अ फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट रिस्पेक्टिंग अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज। अब रॉन्ग ऑफ डिफेमेशन क्या है? पब्लिकेशन ऑफ अ फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट। अगर कोई पर्सन
फॉल्स स्टेटमेंट पब्लिश करता है, डिफेमेटरी, मतलब किसी पर्सन को अगर हम चोर कहेंगे, ए चोर है, तो अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट है, ए बहुत ईमानदार आदमी है, और अगर हम ए को चोर कहेंगे तो ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स भी हो गया और किसी पर्सन की इज्जत खराब करने के लिए भी काफी है ये स्टेटमेंट, तो ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट भी हो गया प्लस फॉल्स स्टेटमेंट है। तो रिस्पेक्टिंग अनदर पर्सन, तो मैं किसी पर्सन के प्रति अगर कोई रॉन्ग फॉल्स स्टेटमेंट, झूठा स्टेटमेंट देता हूं जो कि डिफेमेटरी है और मेरे पास कोई भी लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, मतलब मेरे पास डिफेंस लेने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैंने उस पर्सन का डिफेमेशन किया, ऐसा ट्रीट होगा। अब हम मूव करते हैं काइंड्स ऑफ डिफेमेशन की तरफ, कि काइंड्स क्या है। तो पहला काइंड से डिफेमेशन का लेबल, द लेबल इज द फर्स्ट काइंड ऑफ डिफेमेशन। लेबल मीन्स इट इज अ पब्लिकेशन ऑफ अ फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन सम परमानेंट फॉर्म। लिबल का मतलब ये होता है कि ऐसा स्टेटमेंट का पब्लिकेशन कि जो फॉल्स भी हो और डिफर्मेटरी भी हो, प्लस परमानेंट फॉर्म में अगर कोई स्टेटमेंट कोई पब्लिश करता है फॉल्स और डिफर्मेटरी, तो हम उसको लेबल कहेंगे। जैसा कि राइटिंग हो गया, पिक्चर हो गया, इमेज हो गया या स्टैच्यू हो गया, अगर मैं किसी के प्रति कोई स्टेटमेंट लिखता हूं तो ये क्या होगा, परमानेंट फॉर्म में है। मैं कह रहा हूं ए चोर है, तो ये डिफर्मेटरी भी स्टेटमेंट है, फॉल्स है और मैंने लिखा इसलिए वो परमानेंट फॉर्म में है। अगर मैं पिक्चर बनाकर किसी का डिफर्मेशन करता हूं तो ये लिबल के मीनिंग में आएगा। इमेज बनाकर मैं किसी का डिफर्मेशन करता हूं तो ये लिबल के मीनिंग में आएगा। अगर मैं स्टैच्यू, अगर पुतला बनाता हूं किसी पर्सन का और उसके जरिए किसी को डिफेम करता हूं, तो ये भी परमानेंट फॉर्म में आएगा और वो लिबल रहेगा। देखिए ये एग्जाम्पल है कि लेमोंटेन इज अ फर्नीचर थीफ, ये स्टेटमेंट क्या है, ये लीबल है क्योंकि ये परमानेंट फॉर्म में है, रिटर्न फॉर्म में है ये, तो इसलिए लीबल में आएगा। दूसरा देखिए कि ये भी इमेज एक रिप्रेजेंट करती है, मतलब लिखा हुआ कुछ भी रहने दो या कोई पिक्चर बनाए भी रहने दो या इमेज रहने दो या स्टैच्यू रहने दो, ये लीबल में आएगा। लीबल का मतलब ये है कि डिफामेटरी स्टेटमेंट जो परमानेंट फॉर्म में हो वो लीबल होगा। अब देखिए बलराम और सुख संपत लाला, प्लेंटिफ वॉज अ प्रॉपर्टी ब्रोकर, इसमें प्लेंटिफ का काम प्रॉपर्टी ब्रोकर था वो। डिफेंडेंट इन लोक जीवन डेली न्यूज पेपर पब्लिश एन एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू प्लेंटिफ, जो डिफेंडेंट लोक जीवन पेपर चलाता था उसने अपने पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया रिलेटिंग टू प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के बारे में, इन विच प्लेंटिफ वॉज इम्प्यूटेड विथ डूइंग फ्रॉडुलेंट बिजनेस। उसने एक एडवर्टाइजमेंट छापा अपने पेपर में और उस एडवर्टाइजमेंट में उसने ये कहा कि जो प्लेंटिफ है वो अपने जो ब्रोकर है प्लेंटिफ वो फ्रॉड करता है अपने बिजनेस में, जो ब्रोकरशिप करता है उसमें वो फ्रॉड करता है, ऐसा उसका स्टेटमेंट उसने छापा एडवर्टाइजमेंट। अब क्वेश्चन यही है कि ये डिफेमेशन है कि नहीं है, तो अगर फॉर एग्जांपल वो ऑनेस्टली अपना काम कर रहा होगा, ये स्टेटमेंट उसको डिफेम करने के लिए काफी है और ये रिटर्न फॉर्म में है क्योंकि न्यूज़पेपर में था, इसलिए ये लीबल के डेफिनेशन में आएगा और कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल ठहराया डिफेमेशन के लिए। सेकंड टाइप जो है वो है स्लेंडर। अब स्लेंडर क्या है, इट इज अ फॉल्स एंड डिफामेटरी वर्बल और ओरल स्टेटमेंट इन नॉन परमानेंट फॉर्म टेंडिंग टू इंज्योर द रेपुटेशन ऑफ अनदर विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज। तो स्लेंडर का मतलब क्या है, ये भी डिफामेटरी स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन ये वर्बल फॉर्म में, ओरल फॉर्म में। अगर मैं किसी को ए इज अ थीफ कह रहा हूं तो ये वर्बल फॉर्म है, ओरल फॉर्म है, तो ये स्लेंडर हो गया। तो ये नॉन परमानेंट फॉर्म में होता है, मैंने जैसा ही स्टेटमेंट कंप्लीट किया वो स्टेटमेंट का इफेक्ट खत्म हो गया, इसीलिए इसको नॉन परमानेंट फॉर्म में बोलते हैं क्योंकि वो वर्बल है। तो नॉन परमानेंट फॉर्म में अगर स्टेटमेंट है, वर्बल स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट के जरिए अगर किसी की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो वो सिलेंडर के डेफिनेशन में आएगा और पर्सन इसके लिए लायबल रहेगा। अब देखिए यहां पर ये अनाउंसमेंट कर रहा है, मिस्टर ए इज अ करप्टेड पर्सन, है ना, ये जिस तरीके के स्टेटमेंट है ये सारे स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, वर्बल स्टेटमेंट जो भी आएगा वो सिलेंडर में आएगा। अब यहां पर देखिए ये जो कान में फुसफुस आ रही है, अगर ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट होगा तो डेफिनेटली ये भी सिलेंडर के डेफिनेशन में आएगा। तो वर्बल और ओरल स्टेटमेंट को हम सिलेंडर कहेंगे, नॉन परमानेंट फॉर्म में होता है सिलेंडर। देखिए द रिप्रेजेंटेशन मे बी एक्सप्रेस आइदर बाय स्पीच और इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म, तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो बोलकर कहा जा सकता है या उसके इक्विवेलेंट फॉर्म में भी हो सकता है, जैसा कि नॉड, है ना, अगर कोई अपना सहमति दर्शाता होगा
नॉड किसको कहते हैं, अगर गर्दन हला के इस तरीके की अगर वो सहमति दर्शाता होगा तो इससे भी डिफॉर्मेशन हो सकता है। विंकिंग, पलक झपकने से भी, ये भी क्या है, नॉन परमानेंट फॉर्म में। शेकिंग ऑफ द हेड, शेकिंग ऑफ द हेड से भी किसी का डिफॉर्मेशन हो सकता है। स्माइल है ना, बहुत सी बार किसी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है तो स्माइल कर दिए, दैट इज सफिशियंट। तो ये भी नॉन परमानेंट फॉर्म में ही आएगा, लिखना ही नॉन परमानेंट फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये सारे एक्सप्रेशन भी नॉन परमानेंट फॉर्म में आएंगे और ये भी सिलेंडर के डेफिनेशन में आएंगे। बट जब कभी भी हमको इसको कोर्ट के सामने लेकर आना है तो हमको उसको प्रूव करना पड़ेगा। सिलेंडर इज जनरली रिगार्डेड एज बीइंग एड्रेस्ड टू दैट ईयर। सिलेंडर को क्या बोलते हैं अपन, ऐसा स्टेटमेंट जो कान को एड्रेस कर रहा है, जिसको हम सुन रहे हैं वो सिलेंडर में आएगा। दिस इज जनरल रूल, हां, बट एक्सेप्शन द फिंगर लैंग्वेज ऑफ द डीफ एंड डम विच दो विजिबल टू द आई एंड नॉट ऑडिबल टू द ईयर इज सिलेंडर। बट देखिए, मैं कुछ बोल रहा हूं, ये आपके कानों को एड्रेस कर रहा है, ये सिलेंडर में आएगा। लेकिन अगर जो डीफ एंड डम होते हैं, जो बहरे और गूंगे होते हैं, उनकी जो फिंगर लैंग्वेज होती है, भले ही ये आंखों को एड्रेस कर रही है, फिंगर लैंग्वेज सुनी नहीं जाती, वो देखी जाती है, एड्रेस आंखों को कर रही है, लेकिन वो नॉन परमानेंट फॉर्म में होने के वजह से वो सिलेंडर के डेफिनेशन में ही आएगी। ऑडिबल नहीं है फिर भी सिलेंडर के डेफिनेशन में आएगी। इट इज नॉट एक्शनेबल पर से, सिलेंडर एक्शनेबल पर से नहीं है, मतलब सिलेंडर में आपको तब तक कुछ नुकसान भरपाई नहीं मिलेगी जब तक आप लॉस ना प्रूफ कर दे। सिलेंडर में आपको लॉस प्रूफ करना पड़ेगा तभी आपको नुकसान भरपाई मिलेगी। अगर लेबल है तो लॉस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो एक्शनेबल पर से। लेकिन सिलेंडर में वर्बल जब भी डिफेमेशन होगा तो आपको अगर कंपेंसेशन चाहिए तो आपको लॉस प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके स्टेटमेंट पब्लिश करने के वजह से मुझे ये लॉस हुआ, तभी आपको नुकसान भरपाई मिलेगी, अदरवाइज नॉट। तो सिलेंडर नॉट एक्शनेबल पर से है। अब देखिए, सिलेंडर व्हेन एक्शनेबल पर से, अब सिलेंडर एक्शनेबल पर से कब हो जाएगा, मतलब सिलेंडर कब ऐसे पोजिशन में आ जाएगा कि जहां पर प्लेंटिफ को लॉस प्रूफ किए बिना ही कंपेंसेशन मिलेगा, वो कब मिलेगा, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में मिलेगा। अदरवाइज जनरल रूल क्या है कि सिलेंडर नॉट एक्शनेबल पर से, सिलेंडर में प्लेंटिफ को लॉस प्रूफ करना पड़ेगा तभी कंपेंसेशन मिलेगा। बट ये एक्सेप्शन है सिलेंडर को कि व्हेन क्रिमिनल ऑफेंस इज चार्ज, अगर हम किसी पर्सन पे डिफेमेटरी स्टेटमेंट पास करके उस पर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस लगा रहे, अगर हम बोल रहे हैं कि ए ने डकैती किया है फॉर एग्जांपल, तो ये क्रिमिनल चार्जेस है। डकैती क्या है, क्रिमिनल चार्जेस है। चोरी क्या है, क्रिमिनल चार्जेस है। अगर हम किसी पर्सन पे डिफेमेटरी स्टेटमेंट के जरिए क्रिमिनल चार्जेस लगाते हैं, भले ही वो ओरल स्टेटमेंट रहने दो, लेकिन वो एक्शनेबल पर से हो जाएगा और पर्सन को लॉस हो या ना हो वो हमारे अगेंस्ट में सूट फाइल करके हमारे से कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है। लेकिन उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वर्बल स्टेटमेंट था, लॉस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सेप्शन है। सेकंड, इंप्यूटेशन ऑफ वर्यूलेंट डिसीज, लेप्रसी है ना, अगर हम बोले कि वे पर्सन को लेप्रसी है, मिर्गी की बीमारी है, कोड़ है, इस तरीके का अगर हम किसी पर्सन के प्रति स्टेटमेंट पास करते हैं तो हमको पता है कि किसी को कोड़ है, किसी को मिर्गी की बीमारी है, तो लोग उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं। अब उसको तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम अगर ऐसा स्टेटमेंट पास करते हैं तो ये एक्शनेबल पर से हो जाएगा। उस पर्सन को नुकसान हो या ना हो, भले ही वर्बल स्टेटमेंट है, लेकिन कंपेंसेशन उसको मिलेगा, लॉस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अनफिटनेस फॉर ऑफिस और प्रोफेशन, थर्ड एक्सेप्शन देखिए, व्हेन एक्शनेबल, व्हेन सिलेंडर एक्शनेबल पर से। अब यहां पर अगर किसी पर्सन को हम ये कहे, एक डॉक्टर है फॉर एग्जांपल, और डॉक्टर को बोले हम, ऐसा स्टेटमेंट दे कि ये डॉक्टर है, एमएस है, सर्जन है, लेकिन इसको सर्जरी नहीं आती, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने प्रोफेशन में अनफिट है। अगर ऐसा स्टेटमेंट हम पास करते हैं तो डेफिनेटली ये डिफेमेशन है, भले ही वर्बल स्टेटमेंट रहने दो, बट वो एक्शनेबल पर से हो जाएगा। वो सर्जन हमारे अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है और वो कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है, उसको लॉस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनफिटनेस फॉर ऑफिस और प्रोफेशन ये एक्सेप्शन है ये रूल को कि सिलेंडर एक्शनेबल पर से नहीं है। अनचेस्टिटी और अडल्ट्री, अगर किसी वुमन पे हम उसके कैरेक्टर को टारगेट करते हैं, किसी के कैरेक्टर पे उंगली उछालते हैं हम किसी वुमन के, है ना, हम ये कहते हैं कि उस वुमन का किसी एक दूसरे पर्सन के साथ अफेयर है, तो ये क्या हो गया, भले ही ओरल स्टेटमेंट रहने दो, लेकिन एक्शनेबल पर से हो जाएगा और वो वुमन हमारे अगेंस्ट में सूट फाइल करके कंपेंसेशन क्लेम कर सकती है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है,
किसको? सिलेंडर को. सिलेंडर नॉट एक्शनेबल पर से, वर्बल स्टेटमेंट है तो हमको लॉस प्रूफ करना पड़ता है तभी कंपेंसेशन मिलेगा. लेकिन ये चार एक्सेप्शन जो लास्ट हमने डिस्कस किए इसमें लॉस प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी. तो ये था डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ डिफेमेशन. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.